वर्ल्ड, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेज़न। तो अगर आपको इन किसमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है, तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, सो टुडेज क्वेश्चन विच वी विल बी डिस्कसिंग, जो कि आया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, सीधा हमारे इंटरनेशनल फोरम पर, दैट इज नंबर ऑफ जीरो फिल्ड सब एरेज। नंबर ऑफ जीरो फिल्ड सब एरेज, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑन लीड कोड विच वी आर डिस्कसिंग इन दिस सीरीज एंड या सो दिस इज द टुडेज क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑन लीड कोड, कैटेगरी इज मीडियम। अब मीडियम क्यों है, जब हम इसका सोल्यूशन समझ लेंगे ना, तब आपको पता चलेगा Why it was medium? ये तो easy भी हो सकता था, पर medium और easy के बीच का जो level है of difficulty वो है क्या? Medium level का question आपसे क्या expect करता है? So firstly, let's discuss the relevance of this question. This question has been asked in FAANG companies in the past 1 year of around 30 plus times. Okay? ये बहुत ही like main question की तरह in interviews काफी appear हुआ है ये वाला, जस्ट बिकॉज ये आपके सोल्यूशन कैपेबिलिटी, यानी कि कैसे सोच सकते हो, क्या अराइव आप सही सोल्यूशन पर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो विद मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, मिनिमम लाइन्स ऑफ कोड, ये भी इस क्वेश्चन का एक एक्सेस पैरामीटर रह चुका है। ओके, बिकॉज इस क्वेश्चन का कोड अगर आप देखो, यू कुड डू इट इन 15 लाइन्स एज वेल एंड यू कुड डू इट इन 5 लाइन्स एज वेल, तो ये इतना डिफरेंस है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुड बी लाइक तुमने ओ ऑफ एन के अंदर निकाल दिया और जो एक्सपेक्टेड है वो भी ओ ऑफ एन ही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुमने ओ ऑफ वन में निकाल दिया, एक्सपेक्टेड भी यही है, पर क्या तुम्हारा सॉल्यूशन जो है वो फास्ट है, क्या वो ऑप्टिमल है, या उसको और कंसाइज करा जा सकता है या नहीं, ठीक है? सो ऑन दीज पैरामीटर्स ऑल्सो यू विल बी एक्सेस्ड फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन वी विल डिस्कस हाउ टू अप्रोच इट, हाउ टू सॉल्व इट, इंट्यूशन क्या है, अप्रोच क्या होनी चाहिए एंड फिर हम कैसे इसके इसे सॉल्व करेंगे, इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या रहेगा। सो क्वेश्चन कह रहा है मेरे से नंबर ऑफ जीरो फिल्ड सब एरेज, यानी कि एक एरे है जिसमें जीरो फिल्ड सब एरेज मुझे निकालनी है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, एक इंटीजर एरे हमें दे रखी है, एग्जाम्पल रिटर्न द नंबर ऑफ सब एरेज फिल्ड विद जीरो, अ सब एरे इज अ कॉन्टिग्यूस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन एन एरे। ओके, सो यहाँ पर जीरो कितनी बार आ रहा है, यानी कि हमें नंबर ऑफ काउंट ऑफ सब एरेज, जीरो सब एरेज यानी कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट है वो हमको रिटर्न करना है, ठीक है? तो यहाँ पर ये सिक्स कैसे आया, लेट्स जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस। तो जीरो की अक्रेंस अपने आप में लाइन चार बार हो रहा है, तो एक सब एरे ये हो गई 1 2 3 4, ठीक है? एंड देन दो सीक्वेंस यानी कि दो जीरोस दो बार आ रहे हैं,
6. तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ये हमारा आउटपुट आया है 6. ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हमारे पास कुछ एरे इस तरीके की होती 2 1 2 3 एंड देन लेट्स से 1 and then 1 0 and 1. ठीक है. सो अब क्या होता, अब हमारा आउटपुट होता 0 1, लाइक 4 बार ये, बिकॉज 4 ऑकरेंसेज हैं इसकी, एंड देन 2 ऑकरेंसेज, 2 के कॉम्बिनेशन 2 बार बनेंगे, देन एक कॉम्बिनेशन पूरा बनेगा एंड दैट विल बी अवर आउटपुट. ठीक है, 1 2 3 4, 4 बार 0 एंड देन 2 लाइक दिस, एंड देन ये पूरा 3, एंड देन ये वाला हमने इधर काउंट कर लिया था. सो दिस इज 4 + 3 = 7. तो 7 सब एरेज हैं. ठीक है, सो नाउ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग लाइक हम इसमें कंप्यूट क्या करेंगे, हम इसमें देखना क्या चाह रहे हैं. ओके, सो अब इसके अंडरस्टैंड करते हैं अप्रोच या थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस हमारा यहाँ कहाँ कैसे जाना चाहिए. ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट और ऊपर एग्जाम्पल से ही समझते हैं. हाँ, सो इनपुट हम अपने को ये वाला दे रखा है. अब हमें इसमें नंबर ऑफ सब एरेज काउंट करनी है. नंबर ऑफ सब एरेज हम ऐसे काउंट कर सकते हैं कि हम अपना प्रीवियस इंडेक्स यानी कि 0 हमने लास्ट बार जहाँ पर भी एनकाउंटर करा है उसको स्टोर कर लें, फिर जहाँ नेक्स्ट 0 मिल रहा है, ठीक है, तब तक हम कंटिन्यू करते रहें. यहाँ मेरा ये नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तब मैं क्या करूँ, प्रीवियस इंडेक्स जहाँ पर मिला था, तो प्रीव इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स एक्स माइनस लेट्स से वेट, प्रीवियस इंडेक्स जहाँ पर भी मिला है, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे किससे, i-1 से i-1. ठीक है, करंटली i इज हेयर, ओ लेट्स से 0 1 2 3 4. ठीक है, तो 4 - 2, ओके 1 से नहीं जाएगा, i माइनस ऑफ प्रीवियस इंडेक्स. तो मेरे पास जितने जीरोज हैं वो आ गए, विच इज इन दिस केस इट विल बी 2. ओके, अब 2 का फैक्टोरियल बेसिकली, तो दैट विल बी 2 × 2. ठीक है, 2 × 1, सो दैट विल बी 2, एंड देन इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, दैट इज ऑल्सो विल बी 2, एंड देन जो हमारे टोटल ऑकरेंसेज है लाइक डुप्लीकेट, तो टोटल सेट कितने बन रहे हैं, तो एक ये सेट है और एक ये वाला सेट है, तो 2 सेट्स हो गए, तो +2, सो दैट विल बी 6. एक तो सॉल्यूशन ऐसे है कि हम प्रीवियस इंडेक्स का काउंट रखें जहां पर भी हमने लास्ट 0 एनकाउंटर करा हो, एंड देन उस हिसाब से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाकर वी कैन यूज दोज पीएनसी टेक्निक्स टू सॉल्व दिस. ठीक है, पर क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, हमें एरे को आइट्रेट जो है वो आई गेस लाइक विद दिस सॉल्यूशन वी नीड टू आइट्रेट द एरे एटलीस्ट 2 to 3 times. ओके, बिकॉज एक बारी में हम ये प्रीवियस इंडेक्स स्टोर करेंगे, देन नेक्स्ट इंडेक्स स्टोर करेंगे, एंड देन हमने ये करा, फिर हमें एक एलिमेंट और लेंगे. अगर आप इसको ऑप्टिमल तरीके से करते हो, यू आर यूजिंग ऑप्टिमाइज लूप्स, देन देर आर पॉसिबिलिटी दैट यू कैन सॉल्व दिस लाइक गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन जस्ट वन लूप. ओके, एंड वन लूप सिंपली सिग्निफाइज ओ ऑफ एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, बट जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं होगा. ऑप्टिमल क्यों नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर हम अननेसेसरी कॉम्पिटेशंस काफ़ी सारी कर रहे हैं. जो अभी हमने अप्रोच डिस्कस करी, जो हम प्रीवियस इंडेक्स स्टोर करें एंड देन नेक्स्ट इंडेक्स स्टोर करें और उस अकॉर्डिंगली हम कंप्यूट करें एंड देन पीएनसी लगाएं. ओके, सो पीएनसी फैक्टोरियल निकालने में भी हमारा कुछ ना कुछ टाइम जाएगा, फैक्टोरियल में भी हमारा टाइम जाएगा, फैक्टोरियल में टाइम क्या जाएगा, ओ ऑफ एन. ओके, सो दिस कुड बी, आई शुड नॉट से इट्स एन स्क्वायर, बट इट विल बी ग्रेटर देन ओ ऑफ एन. दिस विल बी ग्रेटर देन ओ ऑफ एन. जो भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ओ ऑफ एन से बड़ी होगी, एन स्क्वायर नहीं होगी फॉर श्योर, बिकॉज हम फैक्टोरियल निकालेंगे, पर एन से तो बड़ी जाएगी. तो हमें ये एन से बड़ी नहीं लेकर जाना है. वी ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द सोल्यूशन, ट्राई टू गिव द सोल्यूशन इन एन ऑप्टिमाइज मैनर. ऑप्टिमाइज में तो ओ ऑफ एन में अगर हमारा सोल्यूशन आ सके, सो दैट इज लाइक द बेस्ट थिंग. तो अब यहाँ O ऑफ n में सॉल्यूशन कैसे आ सकता है, सो इसका एक अप्रोच है, इसकी लेट्स से एक थॉट प्रोसेस आप कह सकते हो, या जिससे हम O ऑफ n के अंदर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ला सकते हैं.
सो आई विल फर्स्ट राइट दैट एंड देन वी विल अंडरस्टैंड इट कि ये हमसे कहना क्या चाह रहा है. We will run a loop and we will take two variables, one which will maintain the count of zeros and one which will store the answer. Okay? When we encounter an element which is zero, then we will increment the counter of zero. If the element is non-zero, then we will set the counter of 0 to 0. Okay? If we and then we will add this counter to our answer. ओके सो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. एक लूप लगाया हमने, सो लेट्स से फॉर आई इक्वल जीरो, आई इज लेस देन एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड आई प्लस प्लस, अंदर आ जाते हैं एंड वील टेक टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स लिए, लेट्स से वन इज काउंटर जीरो एंड आंसर जीरो, ठीक है, which will maintain the count of zeros and one which will store the answer and counter. When we encounter an element which is zero, then we'll increment the counter of zero. So, yani ki if a of I equal is zero ke, then I'll increment this counter, okay, which is zero, then we'll increment the counter. If the element is non-zero, then we will set the counter of zero to zero. ओके तो यानी कि एल्स आई विल सेट दिस काउंटर टू जीरो, ओके एंड देन वील एड दिस काउंटर टू आर आंसर. तो आंसर प्लस इक्वल्स काउंटर, सिर्फ तीन से चार लाइन का कोड एंड दिस विल गिव द आंसर. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं एंड देन वील कोड दिस आउट. वन नॉन जीरो, थ्री नॉन जीरो, दिस जीरो, काउंटर की वैल्यू क्या हो गई मेरी, इनिशियली जीरो था, आंसर भी इनिशियली जीरो था, काउंटर की वैल्यू हो गई वन. ठीक है, तो आंसर के अंदर ऐड कर देंगे इसे वन. अब एक और, तो ये हो गया टू, अब काउंटर में ऐड करा टू, इट विल बी थ्री. ठीक है, एंड देन टू नथिंग, इट विल सेट टू जीरो, तो अगेन जीरो हो गया. ये जीरो को ऐड करा आंसर के अंदर, नो इफेक्ट. देन ये मिला हमको, अगेन ये वन हुआ, इसको ऐड करा फोर, एंड देन नेक्स्ट एक और जीरो मिला, काउंटर बढ़ाया टू, टू को ऐड करा फोर प्लस टू सिक्स. ठीक है, एंड देन फोर नॉन जीरो एलिमेंट मिला, तो ये गया प्लस जीरो करा, अगेन इट विल बी सिक्स, आंसर विल बी सिक्स. ओके, काफी इजी और समझ में नहीं आ रहा होगा कि इतनी आसानी से कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब सिर्फ इफ और एल्स कंडीशन लगानी थी हमें एंड मीडियम लेवल का क्वेश्चन था. यस, दैट्स द होल थिंग एंड दैट्स द होल डिफरेंस अबाउट योर थॉट प्रोसेस, जो इजी मीडियम और हार्ड लेवल क्वेश्चन लाइक चेक करते हैं स्पेसिफिकली. ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं एंड देन वी विल गो टू द कोड पार्ट. एक और एग्जाम्पल टू जस्ट लाइक क्लैरिफाई, ओके जो हम कर रहे हैं दैट्स करेक्ट और नॉट. वन वन टू थ्री टू जीरो फोर जीरो जीरो वन, ओके सो वन अगेन काउंटर आंसर, जीरो
वो नहीं है तो बढ़ा दिया, जीरो है, हाँ है, वन, आंसर वन, टू, आंसर थ्री, थ्री, आंसर सिक्स, ठीक है, देन ये जीरो सेट कर दिया, देन नेक्स्ट वन प्लस वन सेवन, ठीक है, जीरो अगेन जीरो, एंड देन दिस वन सेवन प्लस वन एट प्लस टू, तो इट विल बी टेन, ओके, एंड देन अगेन हेयर इट विल बी सेट टू जीरो, जीरो प्लस कुछ नहीं तो टेन ही बाकी रह गया। अब आप इसको अलग से हम लिख कर भी देख सकते, तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः टेस्ट केस, छः तो ऐसे ही हो गए, ठीक है, सात आठ नौ और 10, तो यस आर आंसर इज करेक्ट। सो द सोल्यूशन एंड अप्रोच द कोड दैट वी थॉट कि इस तरीके से होना चाहिए, इट्स करेक्ट। सो इससे हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है और कोड अंडरस्टैंड, लाइक क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पार्ट एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट फिनिश होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन, आई लुक इन टू दैट एंड विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। सो नाउ लेट्स कम टू द कोडिंग पार्ट। दिस प्रॉब्लम इज 2348, नंबर नंबर ऑफ जीरो फिल्ड सब एरेज एंड गिवन एन इंटीजर रिटर्न द नंबर ऑफ सब एरेज फिल्ड विद जीरो, वी हैव अंडरस्टूड दिस, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। सो हेयर देयर आर थ्री टाइम जीरो एंड देन हेयर ऑल्सो इट्स टू टाइम जीरो एंड द आउटपुट इज नाइन, सो इट बेसिकली सिग्निफाइज अस दैट देर आर वन वन लाइक फाइव ऑकरेंसेज ऑफ जीरो इन होल, सो फाइव प्लस थ्री ऑकरेंसेज ऑफ दिस जीरो जीरो एंड देन वन ऑकरेंस ऑफ दिस, सो फाइव प्लस थ्री एट प्लस वन नाइन, एंड वेयर देर इज नो जीरो द आउटपुट इज सिंपली जीरो, ओके। सो नाउ हेयर द किक पार्ट इज वेन यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दैट इट एक्सपेक्ट्स अस टू रिटर्न द आंसर इन लॉन्ग लॉन्ग, सो दैट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट द वेरिएबल इन विच यू रिटर्न द आंसर शुड बी ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, सो लेट्स लॉन्ग लॉन्ग आंसर, ओके, एंड देन वी कैन टेक द काउंटर ऑल्सो एज ऑफ टाइप लॉन्ग एंड देन सम बेसिक सिंपल वेरिएबल्स विच वी एवरी टाइम इनिशियलाइज एंड देन वील जस्ट सिंपली चेक आई प्लस प्लस वील रन अ लूप। नाउ इफ माई नम्स ऑफ आई इज इक्वल इक्वल जीरो देन काउंटर प्लस प्लस एल्स काउंटर इज इक्वल जीरो एंड देन आंसर प्लस इज इक्वल्स टू काउंटर एंड देन वील रिटर्न आंसर। सो ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ओनली एट लाइन्स एंड आर सोल्यूशन इज डन। लेट्स रन दिस आउट, चेक वेदर इट्स वर्किंग फाइन और नॉट एंड या एक्सेप्टेड, लेट्स सबमिट इट एंड सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो गोल्डन कॉइन रन, 4 days कंप्लीशन स्ट्रीक, नाइस। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज 79 close to 80 and the space complexity is 86.43. let's try submitting out again if it increases or decreases, yep 88.54 again। I think इनमें ना API में कितना response ले रहा है आने के बाद जाने के बाद उसके हिसाब से निकाल के देता है ये हम अपने को, इसीलिए time complexity इसकी काफ़ी fluctuate करती रहती है, same goes for space complexity। so आई डोंट नो लाइक बैक एंड पर API या उनका भी हाथ है इसके अंदर, ओके, जो हमारा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फ्लक्चुएट करती है, बट लेट्स कंसिडर दी हाइएस्ट। अभी तीन सबमिशंस में हाइएस्ट हमारी 89 गई थी, तो 8.9 ले लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अराउंड 80% के आसपास आई थी, सो दैट इज ऑल्सो नॉट बैड। सो 10 में से 8 लाइक यू आर ऑन द पॉजिटिव एज, और अगर इंटरव्यूअर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सो यू विल बी इन दैट, ठीक है, इंटरव्यू क्लियर कर लोगे आराम से। Okay, so congratulations, we have solved this question in the bestest time complexity which was expected. So we came to an end of the video. If you like today's video, today's question, explanation, then don't forget to like, share and subscribe the channel. Share this channel with your friends, guys, because sharing education is really a good deed. And if you have any suggestions, any comments, any doubts, then do mention in the comment section and I'll definitely see them and respond to that. And at the last, I want to say you all, thank you, stay safe, stay healthy, bye bye, love you all guys.